सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लाइव सेशन. जहाँ से कल फिनिश किया था वहीं से अभी मैं लेके चल रहा हूँ. आज का जो मेरा टारगेट है वो ये है कि वी आर फिनिश आवर कॉन्ट्रैक्टेड एज वेल एज वी आर गोइंग टू फिनिश आवर पार्टनरशिप एंड सेल्स. अगर इसमें कुछ रह गया डोंट वरी, कल भी लाइव आऊँगा, बता दूंगा टाइम. आइए बेटा जरा चलते हैं कुछ टॉपिक्स की ओर जो हमें रिकॉर्ड जो हमें डिस्कस करने हैं. जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं जरा चलते हैं हम टॉपिक्स की ओर. लास्ट क्लास में जो हमने छोड़ा था वो हमने छोड़ा था फ्री कंसेंट के अंदर. हमने कॉशन भी कर लिया था और हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस भी कर लिया था. आज जो हमें करना है वो आज हमें करना है फ्रॉड से हमें टॉपिक को फ्रॉड से हमें आगे लेके चलना है. यानी हमें फ्रॉड मेन बेसिकली आज चलना है. सर फ्रॉड क्या होता है? मैंने कहा बेटा चलो डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉड क्या होता है. व्हाट एग्जैक्टली द फ्रॉड मीन्स इज, फ्रॉड का मतलब क्या है. ज़रा आइए ज़रा फ्रॉड के मतलब के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके. फ्रॉड होता क्या है? सर अगर मैं फ्रॉड के बारे में बात करूं तो फ्रॉड का मतलब होता है किसी को धोखा देना. फ्रॉड का बेसिकली मतलब है किसी को धोखा देना, जानबूझ के किसी को धोखा देना. ये अपन का फ्रॉड का मतलब है. दोज गाइज हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ दे कैन इन्फॉर्म देयर फ्रेंड्स दैट आई एम लाइव नाउ एंड इट्स माई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ एक बार ओके का मैसेज कर दीजिए. If my voice is clear to everyone, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ एक बार ओके का मैसेज कर दीजिए. आइए सर ज़रा इस बारे में हम बात कर लेते हैं. फ्रॉड, फ्रॉड है क्या? फ्रॉड का मतलब है सामने वाले को झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना. सामने वाले को झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना. सर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ फ्रॉड का मतलब है जब हम सामने वाले को झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. फॉर एग्जांपल आप मेरी दुकान पर आए, आपने कहा सर मुझे एक अमेरिका का पेन चाहिए. मैंने कहा हाँ बेटा अमेरिका का पेन चाहिए. मैंने कहा सी बेटा दिस पेन इज मेड फ्रॉम अमेरिका. अमेरिका का पेन है, आइए इस पेन को देखो बेटा ये अमेरिका का पेन है. ये पेन से जो हमारे जॉर्ज बुश साहब वो साइन किया करते थे. मतलब है वो इंडिया का, मुझे पता है जो पेन मैं बेच रहा हूँ वो इंडिया का है, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ. दैट इज़ अ फ्रॉड. इसको हम फ्रॉड बोलेंगे. इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब है जब आप सामने वाले से झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो. इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड. यानी सामने वाले से इंटेंशनली आई हैव मेड द फॉल्स स्टेटमेंट देन दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड. इंटेंशनली जो मैं फॉल्स स्टेटमेंट कह रहा हूँ उसको हम क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे. नीचे से जाके बुक ले आएगा मेरी, पता नहीं है तुझे? एक तो मेरी लॉ की बुक होगी और दूसरी लॉ की बुक जो मैं यूज़ करता हूँ ब्लैक कलर की होगी. मैडम से पूछ लियो और सुन फ्रॉड का मतलब क्या है? जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सामने वाले को एंटर करवाना झूठ बोल के, उसको हम कहते हैं फ्रॉड. द फ्रॉड इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 17. फ्रॉड इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 17 जिसके अंदर फ्रॉड को डिफाइन किया गया. सर क्या क्या फ्रॉड को डिफाइन किया गया जरा आप समझाओगे? मैंने कहा हाँ बेटा जरा मैं समझा देता हूँ क्या क्या डिफाइन किया गया.
कशिश धमीजा, मैं ऑनलाइन हूँ, माइट बी सम इंटरनेट प्रॉब्लम्स, इंटरनेट कभी कभी दिक्कत कर जाता है इस वजह से पंच हो रहा है, बट मैं ऑनलाइन हूँ। आई एम सेइंग हाई टू यू, हाई टू एवरी वन, दोज़ हू आर ऑनलाइन प्लीज़ लेट मी नो, एंड हरी भाई प्लीज़ इन्फॉर्म एवरी वन इन द ग्रुप दैट आई एम ऑनलाइन नाउ, सो दैट द पर्सन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द वीडियो विच आई एम रिकॉर्डिंग एज वेल एज आई एम देयर फॉर यू गाइज। ओके, सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉड। सर ये फ्रॉड क्या है? फ्रॉड का मतलब है कि भाई जब सामने वाला आपके साथ झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। यानी जब सामने वाला झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है देन इट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉड। यानी अगर मैं फ्रॉड की डेफिनेशन को डिफाइन करूँ तो फ्रॉड्स को जो है बेसिकली 5 पार्टों में डिवाइड किया गया। फ्रॉड्स की डेफिनेशन को पहला पार्ट ये है कि जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट देना, जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट देना, ये भी क्या कहलाता है? फ्रॉड है। जब आप सामने वाला आपको जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा है, देन दैट इज़ अ फ्रॉड। यहाँ तक अपन बेटा अपने मेरी बेटाओं को सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जानबूझ के किसी चीज़ को छुपाना, जानबूझ के किसी चीज़ को छुपाना मतलब जानबूझ के किसी चीज़ के डिफेक्ट्स को छुपाना, दैट विल कॉल्ड एज अ फ्रॉड। अगर हम जानबूझ के किसी चीज़ के डिफेक्ट को छुपाते हैं देन दैट इज़ अ फ्रॉड, तब हम उसको क्या कहलाएंगे? फ्रॉड कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? फ्रॉड का मतलब ये है जब सामने वाला जानबूझ के क्या करता है, जब सामने वाला जानबूझ के झूठ बोलता है या किसी स्टेटमेंट को, किसी फॉल्स स्टेटमेंट, किसी चीज़ के डिफेक्ट्स को छुपाता है और सामने वाला अगर ट्राई करे तो उसको भी वो उस चीज़ को वो क्या नहीं कर पाता, उस डिफेक्ट्स को वो फाइंड नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी दुकान पे आते हो सामान लेने, और किस लिए आते हो आप मेरी दुकान पे सामान ले? आप आते हो दुकान पे सामान लेने कि सर मुझे टेबल चाहिए, मैं टेबल के अंदर डिफेक्ट को इस तरीके से कंसील कर लेता हूँ कि आप चाहकर भी, मैं टेबल के डिफेक्ट को इस तरीके से छुपा लेता हूँ कि आप चाहकर भी उस डिफेक्ट को क्या नहीं कर पाते, ढूंढ नहीं पाते, देन दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रॉड। जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट देना, जानबूझ के डिफेक्ट्स को छुपाना, या फिर कोई प्रॉमिस करना जिसमें आपके इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की, देन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रॉड। जब आपकी कोई ऐसा प्रॉमिस करना जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है क्या करने की, परफॉर्म करने की, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रॉड। आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि कोई ऐसी चीज जिसको कानून ने कह रखा है कि ये फ्रॉड है तो वो भी क्या मानी जाएगी? फ्रॉड मानी जाएगी। कोई ऐसी चीज जिसको कानून ने कह रखा है फ्रॉड है वो भी क्या मानी जाएगी? वो भी फ्रॉड मानी जाएगी। सर कोई ऐसी चीज जिसको कानून ने कह रखा है फ्रॉड है, सर मतलब समझ में नहीं आया, कानून भी एक्सप्लेन करता है। यस बेटा, जो ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अंदर क्लियर कट कह रखा है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें क्लियर कट ये बात कह रखी है, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कौन से किसकी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर उसने आपने कोई अनइंटेंशनली कोई भी पॉइंट छुपाया, अगर आपने उसमें से अनइंटेंशनली कोई भी पॉइंट छुपाया वो भी क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था फ्रॉड का? जानबूझ के झूठ बोलना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करना। थर्ड पॉइंट क्या था? कि बॉय एक ऐसा प्रॉमिस करना जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की। और चौथा पॉइंट है जिसको कानून ने कह दिया, जिस चीज़ को कानून ने कह दिया, किसी भी लॉ ने कह दिया फ्रॉड है, वो भी फ्रॉड है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें जो ये बात कहता है और जो ये बात क्लियर कट कहता है कि साहब
ऐसी कोई भी चीज जो इन चारों पॉइंट्स में नहीं आती है, ऐसी कोई भी चीज जो ऊपर के चारों पॉइंट्स में नहीं आती है लेकिन सामने वाले की इंटेंशन उसमें फ्रॉड करने की है, तब भी हम उसको क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। ऐसी कोई भी चीज इन चारों पॉइंट्स में नहीं आती है लेकिन सामने वाले की इंटेंशन इसमें फ्रॉड करने की है, तब भी हम उसको क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। तब भी हम उसको क्या कहेंगे बेटा? फ्रॉड कहेंगे। बेटा फ्रॉड की डेफिनेशन क्लियर हो गई नहीं हो गई? बेटा जी फ्रॉड की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, प्लीज से प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज़ क्लियर टू एवरीवन? कशिश, आशुतोष, अरिबा, प्लीज़ कंफर्म नाउ। चलता हूँ मैं थोड़ा सा आगे। द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज क्लियर टू यू? जब फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ, तू बुक लेके आया? तू नहीं लेके आया लॉ की बुक? हाँ भैया, निकलवा किसी से। थैंक यू सो मच गाइस। फ्रॉड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फ्रॉड से पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कोई थर्ड पार्टी के थ्रू फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई थर्ड पार्टी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा उसी ने आपके साथ झूठ बोला, किसी और बंदे ने झूठ ना बोला, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड फ्रॉड का एसेंशियल एलिमेंट है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स का मतलब क्या है? आपने जानबूझ के झूठ बोला। थर्ड पॉइंट है एक्चुअली डिसीव्ड। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान ध्यान से समझना बेटा। आप मेरी दुकान पे, मैंने क्या कर रखा था, एक टेबल तोड़ रखी थी। एक टेबल थी मेरी, उस टेबल का क्या था, किनारा तोड़ टूटा हुआ था और मैंने उस किनारे को क्या कर दिया, जोड़ दिया फेविक्विक लगा के, और इस तरीके से पॉलिश करवाया कि कोई बंदा चेक करेगा तो भी उसको पता नहीं चलेगा। आप उस टेबल को बिना चेक करे ले जाते हो। आप उस टेबल को बिना चेक करे ले आते हो, क्या ये फ्रॉड है? क्या ये फ्रॉड है? क्या आंसर इज नहीं, ये फ्रॉड नहीं है। ये फ्रॉड क्यों नहीं है? क्योंकि आप मेरी रिप्रेजेंटेशन से डिसीव नहीं हुए, आपने खुद ही उस सामान को खरीदा है। अगर आपने चेक करा होता और चेक करने के बावजूद आप डिफेक्ट नहीं फाइंड कर पाते तब फ्रॉड होता। यानी कहने का मतलब है किसी चीज़ का प्लग वगैरह ख़राब है, आप बिना चेक करे सामान ले जाते हो, तो आप सामने वाले को क्या नहीं कर सकते? डैम, आप सामने वाले को क्या नहीं कर सकते बेटा? सामने वाले को आप जो है डिसीव नहीं कर सकते। कशिश, आपने नहीं लिखा है तो ये नहीं का मतलब क्या, मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली डिसीव का मतलब ये होता है बेटा कि जो आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करी है उस चीज के ऊपर सामने वाले ने रिलाई करके कॉन्ट्रैक्ट किया है। या मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, जो आपने एक्टिव कंसील करी है चीजें उसके ऊपर रिलाई करके उसने सामान खरीदा है। आप आते हो, आप बिना पूछे ये सामान ले जाते हो, चाहे खराब है या नहीं है, तो मुझे 50,000 का सामान चाहिए, मैं दे देता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी फ्रॉड कहाँ है? फ्रॉड तो जब कहलाता है ना, जब मैं आपको झूठ बोलता और आप मेरे झूठ पर रिलाई करते। जब आप मेरे झूठ के ऊपर रिलाई ही नहीं कर रहे हो, आप किसी और वजह से आप जो है किसी और वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आपको करी गई है, या अगर एक सिंपल सी भाषा में बात करूं, जो आपको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करी है उसका होना जरूरी है। अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा।
आई गेस यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ क्या साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड होती है? क्या साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड होती है? आंसर इज जनरली नहीं। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड नो नो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्या चुप रहना फ्रॉड है क्या? नहीं, लेकिन कुछ केसेस में फ्रॉड है। सर वो कौन कौन से केसेस हैं? जब पार्टीज के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, जब पार्टीज के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो तब वो फ्रॉड है। सर पार्टीज के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो मतलब दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे के साथ ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप में है। जब आप किसी के साथ ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप में होते हो तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले बंदों की बातों पे रिलाई कर लेते हो। जब आप सामने वाले जब पार्टी किसी ना किसी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होती है तो सामने वाला आपकी बातों पे क्या कर लेता है? रिलाई कर लेता है। जब सामने वाला आपकी बातों पे रिलाई कर लेता है जब आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला आपकी बातों पर पूरी तरह से रिलाई कर रहा है। तो भाई इसमें आपकी ड्यूटी है कि सामने वाले को सारी बातें डिस्क्लोज कर देना। अगर आप सामने वाले को भी डिस्क्लोज नहीं करे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। तो क्लियर कट पॉइंट ये है, अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँ तो भाई अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो ही फ्रॉड कहलाएंगे, अदरवाइज वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तभी फ्रॉड कहलाएगा, अदरवाइज फ्रॉड नहीं कहलाएगा। साइलेंस सर जब कोई किसी पर हम ट्रस्ट करते हैं तो हमें उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, हम ये रिज्यूम कर लेते हैं कि भैया सामने वाला हमें सब कुछ सच सच बता रहा है। अगर सामने वाला हमें सच सच नहीं बता रहा, यानी हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हैं और हम उस पर यकीन कर रहे हैं हमें सामान सही दे रहा है, उसने कुछ सामान ख़राब दे दिया, तो उस केस में साइलेंस भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। सेकेंड, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मैंने पूछा भैया जो घोड़ा आप दे रहे हो वो सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो? मैंने सामने वाले भैया से पूछा भैया जो आप घोड़ा दे रहे हो सही दे रहे हो ना? भैया कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या, जो भैया मुझे घोड़ा दे रहा है वो क्या दे रहा है? सही दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाला जो भैया मुझे घोड़ा दे रहा है वो क्या दे रहा है? सही दे रहा है। अगर अब सामने वाला भैया मुझे ख़राब घोड़ा दे रहा है तो भाई साहब ये मान लिया जाएगा उसकी चुप्पी ही किसके बराबर है? स्पीच के। और वो क्या माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। आई गेस मेरे बेटा जी यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। हाफ ट्रूथ, यहां तक बात क्लियर हो गई ना? प्लीज ओके का जब समझ में आ जाए पॉइंट। तो हाफ ट्रूथ, आधा सत्य। सर ये आधा सत्य का मतलब क्या? बड़ा क्लियर कट पॉइंट है। अगर वो सामने वाला बंदा आपसे आधा सच बोल रहा है और आधा झूठ बोल रहा है, जैसे आप अपने माँ बाप से बोलते हो मम्मी आज हमारे टेस्ट में 10 नंबर आए हैं, बट ये नहीं बताओगे कि 50 में से आए हैं, वरना मम्मी कूट देगी। जो आधा सत्य है, जो आप आधा सत्य बोल रहे हो, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या वो फ्रॉड है या नहीं? ऑफकोर्स यस, अधूरा सत्य भी फ्रॉड माना जाता है। अगर फ्रॉड है आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करते हो और सामने वाले को उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाता है बेटा, बेनिफिट होगा, तो सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके से पेन खरीद, आपने मुझे पेन बेच दिया, आपने फ्रॉड करके मुझे पेन बेच दिया, और आपने जो मुझे पेन बेच दिया वो बेच दिया भाई साहब 500 रुपये का पेन बेच दिया आपने मुझे। ठीक है सर, आपने 500 रुपये का पेन बेच दिया तो क्या दिक्कत है? आपने मुझे क्या बेच दिया बेटा? 500 रुपये का पेन बेच दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने मुझे 500 रुपये का पेन बेच दिया, लेकिन जो पेन बेचा वो फ्रॉड करके बेचा। मैं पेन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता हूँ, आप आया तो जी पेन वापस लो। मैं भैया पेन वापस दे दूंगा, तो आप अगर पेन वापस कर रहे हो तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको 500 रुपये वापस करूंगा,
भैया ये तो ना कि अगर फ्रॉड के चक्कर में आप कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहे हो तो आप बेनिफिट नहीं वापस करोगे। ऑफ कोर्स यस भैया, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, आपने झूठ बोल के मुझे ज़मीन बेची, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने आ रहा हूँ जी, ज़मीन बेच दी झूठ बोल के। तो भैया आपकी ड्यूटी है कि पैसे वापस करो, मतलब सीधी सी बात है, अगर सामने वाले ने फ्रॉड करके कोई बेनिफिट उठाया उस कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको सामने वाले को उस कॉन्ट्रैक्ट को बेनिफिट को वापस करना पड़ेगा। थर्ड डैमेजेस इन केस ऑफ फ्रॉड, आप सामने वाले के ऊपर डैमेजेस मांग सकते हो कि उसने आपको जो भी झूठ बोलने की वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ, फ्रॉड की वजह से नुकसान हुआ, आप उससे क्या मांग सकते हो, डैमेजेस मांग सकते हो। आई गेस यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन, जब मैं फ्रॉड को मिस रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर करूँ तो फ्रॉड जो होता है वो जानबूझ के होता है और जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है वो जानबूझ कर नहीं होती। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं वो बोल तो झूठ रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता होता जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है, हम लगते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमें ये लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। अगर मैं मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन के अंदर बात करूँ तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सामने वाले को एक ऐसी स्टेटमेंट देना जो है तो झूठ लेकिन आप उसे एज्यूम कर लेते हो वो सत्य है, आप अज्यूम होती तो झूठ है लेकिन आप अज्यूम कर लेते हो सत्य, मतलब क्योंकि आप भी उसी स्टेटमेंट पे क्या कर लेते हो, कहीं ना कहीं रिलाई कर लेते हो, आप ही उसी स्टेटमेंट पे क्या कर लेते हो, रिलाई कर लेते हो। हाय ऋषि, द वीडियो इज नॉट ऑफलाइन, वीडियो इज ऑनलाइन, डोंट वरी, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है। नाउ जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, जानबूझकर आप क्या बोल रहे हो, जानबूझकर नहीं आप इनोसेंटली झूठ बोल रहे हो लेकिन बोल आप झूठ रहे हो। बेसिकली अगर मैं मिस रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करूँ तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, मतलब आप जो बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो लेकिन होता वो सत्य है, आप जो बोल रहे हो वो बोल झूठ रहे हो लेकिन होता क्या है वो आप जो बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो और आपको लगता है कि वो सत्य है, तो वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। या आपने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी, अनइंटेंशनली आपने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी, फॉर एग्जाम्पल भैया आप और मैं एक बिजनेस का नेगोशिएशन करूँ और मैं आपके बिजनेस को जनवरी में खरीदने के लिए तैयार हूँ, जिस टाइम मैं जनवरी में खरीदने के लिए तैयार हूँ उस टाइम बिजनेस की जो वो है क्या कहते हैं टर्नओवर है वो 50 लाख है, नेगोशिएशन 6 महीने तक चलती है, 6 महीने बाद बिजनेस की जो टर्नओवर है वो 4 लाख हो जाती है, सॉरी 4 लाख हो जाती है। अब आप मुझे बताते नहीं हो, आप सोचते हो यार विनीत जी ने चेकिंग करते रहे उनको पता ही चल गया होगा, यानी यहाँ पे आपने अनइंटेंशनली मुझे क्या नहीं बताई, बात नहीं बताई और जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो गया। कोर्ट ने कहा विनीत जी यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रद्द सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिकली केस के अंदर यही होता है, इसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में नहीं होता। तीसरी बात होती है कि अगर सामने वाले बंदे को कंटेंट के बारे में कुछ मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हो सर जो मुझे जो सामान चाहिए वो ऑर्गेनिक चाहिए, मुझे लगता है जो मैं सामान बेच रहा हूँ वो ऑर्गेनिक है जबकि वो एक्चुअली में ऑर्गेनिक नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा तरीके से केमिकल कह लो या कुछ और चीज़ कह रहे हो मिली रही होती है, तो बेटा उस केस के अंदर मुझे सब्जेक्ट मैटर के अंदर वो हो गया क्या कहते हैं उसे मिस्टेक है, जब मैं सब्जेक्ट मैटर के अंदर मिस्टेक है तो बेटा कहीं ना कहीं वो भी क्या मान लिया जाता है बेटा, उस केस के अंदर भी क्या मान लिया जाता है, यहाँ पे फ्रॉड है। अगर मैं फ्रॉड की डेफिनेशन को बेसिकली डिफाइन करूँ तो फ्रॉड की डेफिनेशन है जब आप अनइंटेंशनली सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, दैट वी कॉल्ड एज अ फ्रॉड बेटा, जो दैट इज कॉल्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं फ्रॉड को डिफाइन करूँ, फ्रॉड के अंदर सामने वाले ने पॉजिटिव असर्शंस दी या कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया या वो जिस किसी भी चीज के बारे में अगर उसको मिस्टेक है, दैट इज एन इनोसेंटली मिस्टेक, तभी हम उसको क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे और मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। बेटा बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में आप अनइंटेंशनली काम करते हो और जो फ्रॉड के अंदर काम होता है वो आपका इंटेंशनली काम होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप अनइंटेंशनली काम करते हो और फ्रॉड में आप जो काम झूठ बोलते हो वो इंटेंशनली होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में अनइंटेंशनली होता है। आई गेस बेटा जी यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप सामने वाले के खिलाफ केस तो कर सकते हो लेकिन आप सामने वाले से डैमेजेस नहीं मान सकते क्योंकि सामने वाले की वहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है आपको धोखा देने की।
आई गेस यहाँ तक बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बेटा इज इट क्लियर विद यू द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन? क्या आपको फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बातें समझ में आ गई या नहीं आई? अगर आ गई है तो प्लीज़ दोस्तों ओके का एक बार मैसेज भेज दीजिए मुझे। किन केसेस में लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसीशन होता है? दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कॉर्शन। थैंक यू अरुण, आशुतोष, कशिश, ऋषि जायसवाल। ऋषि इज दिस योर, व्हाट इज योर रियल नेम एक्चुअली? कैन आई कंफर्म दैट कि ऋषि आर यू माई स्टूडेंट? और कशिश धमीजा प्लीज कंफर्म वेदर यू आर माई स्टूडेंट और नॉट। आइए, लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसीशन, किस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर सकते ऑल दो देर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? अगर आपको पता चल जाता है कि सामने वाले ने फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंटेशन किया या कॉर्शन किया, तब भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर देते हो, तब भी आप क्या कर देते हो दोस्त, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हो दोस्त, अफर्म कर देते हो, यानी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लो। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लो तो आप क्या नहीं कर सकते, राइट ऑफ रिसीशन नहीं कर सकते। वेयर रेसिस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल, रेसिस्टिट्यूशन का पॉसिबल का मतलब क्या कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट तो रिसाइन कर रहा हूं लेकिन आप जो है उस चीज को ओरिजिनल पोजिशन में नहीं पहुंचा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके खेत खरीद लिए, आपने चाहे मुझे अनइंटेंशनली या इंटेंशनली खेत का साइज बताया 10 एकड़, जबकि था वो 8 एकड़। मैंने उस खेत के ऊपर क्या किया, घर बना लिया। बाद में मुझे पता चला ये खेत तो 8 एकड़ का है। क्या मैं आपको खेत वापस कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उस पर घर बना चुका हूं। तो आप उस चीज को ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचाना नॉट पॉसिबल है। उस केस के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्ट तो रिसाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके खिलाफ क्या कर सकता हूं, केस करके डैमेजेस ले सकता हूं। लैप्स ऑफ टाइम, जब टाइम क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। जब टाइम क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है दोस्त? लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि विद इन अ रीजनेबल टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना है। अगर आपने विद इन अ रीजनेबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया ना, यानी आप एक टाइम लैप्स हो गया, तो उस केस में अब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकते। आई गेस बेटा जी यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, राइट ऑफ थर्ड पार्टी। सर इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक्स और वाई ने एक्स के साथ फ्रॉड करके एक्स की प्रॉपर्टी ले ली। वाई ने एक्स के साथ फ्रॉड करके प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी में से कार वार। एक्स की इच्छा पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। एक्स की इच्छा पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। एक्स ने क्या किया है, फ्रॉड करके क्या ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली है। किससे प्रॉपर्टी ले ली है, वाई से। और एक्स की इच्छा पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। इससे पहले एक्स कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करता, वाई ने वो प्रॉपर्टी जेड को बेच दी। इससे पहले एक्स कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करता, वाई ने वो प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, जेड को। इस केस में जेड के पास ये प्रॉपर्टी चली गई। अब जो है एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उसके रेसिग्नेशन से पहले प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। एक्स सिर्फ वाई से केस कर सकता है, किसके लिए, फॉर द डैमेजेस। एक्स क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वाई से क्या कर सकता है, केस कर सकता है फॉर द डैमेजेस। डैमेजेस के लिए एक्स क्या कर सकता है, केस कर सकता है, किसके ऊपर, वाई के ऊपर केस कर सकता है। लेकिन एक्स डोंट हैव अ राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम द जेड। तो इन चार केसेस में
क्या हो जाता है बेटा, राइट जो जो रिसाइंड करने का राइट है वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है बेटा, ख़त्म हो जाता है। अब ज़रा मैं इस थोड़े से आगे पॉइंट पे चलता हूँ, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे। मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में एरनस बिलीफ होना। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में एरनस बिलीफ होना। जब आपका किसी चीज़ के बारे में एरनस बिलीफ होता है देन दैट इज़ कॉल्ड एज अ मिस्टेक। मिस्टेक के अगर मैं डिवाइड करूँ तो मिस्टेक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक को बोला जाता है मिस्टेक ऑफ लॉ और सेकेंड को बोला जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक को बोला जाता है मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरे को बोला जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होती है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। एक होती है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और दूसरी क्या होती है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। जो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होता है वो वैल्यू वो वैलिड रहता है, तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होता है वो क्या रहता है बेटा, वैलिड रहता है, क्योंकि नो वन कैन मेक एन एक्सक्यूज, नो वन कैन मेक एन एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। यानी आप जो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ को क्या नहीं बना सकते, एक्सक्यूज नहीं बना सकते। इसके लिए जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो क्या रहेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कितनी भी मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन द वैलिड। इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट रिमेन द वैलिड। अगर इस बारे में छोटा सा बात करूँ, एक्स और वाई को नहीं पता होता लॉ ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिमिटेशन के बारे में 4 साल कर देते हैं, तो कोर्ट कहता है कि नहीं बेटा 3 साल बाद ही एक्स के पास कोई राइट नहीं है, वो वाई से पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर 3 साल तक आपने कोई रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी तो आप उससे रिकवर नहीं कर सकते। क्लियर कट कहते हैं, यानी मिस्टेक ऑफ लॉइज मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। मिस्टेक ऑफ फॉरन लॉइज ट्रीटेड एज अ वैलिड फॉर मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ फॉरन लॉ इज ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फेक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यानी अगर दोनों पार्टी मिस्टेक में होगी तब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक में होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। आइए सर इसके बारे में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में जरा जानते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके की हो सकती है, यानी तथ्यों की मिस्टेक ये दो तरीके की हो सकती है, एक होती है बायलैटरल मिस्टेक और दूसरी होती है यूनिलैटरल मिस्टेक। एक होती है बायलैटरल मिस्टेक और दूसरी होती है यूनिलैटरल मिस्टेक। सर बायलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है दोस्त, बायलैटरल मिस्टेक का मतलब होता है जब दोनों पार्टी एज अ मिस्टेक है। सर अगर मैं बायलैटरल मिस्टेक के बारे में बात करूँ ना सिंपल, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जिसको मैं बोलूँगा एरर इन कंसेंसस। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जिसको मैं बोलूँगा एरर इन कंसेंसस, क्योंकि जो बायलैटरल मिस्टेक होती है ना उसमें उसमें सामने वाली पार्टी की दोनों की सोच ही नहीं मिलती है, वाली पार्टी की दोनों की सोच ही नहीं मिलती है। जब जब दोनों पार्टियों की सोच नहीं मिलती है तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा बेटा, वॉइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि वेन द बोथ द पार्टीज आर इन मिस्टेक तो भैया सीधी बात है, जब आपकी सोच ही नहीं मिली तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं, जब एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो दैट वो कॉन्ट्रैक्ट बनी से दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो। यानी दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं मिस्टेक में है, आप कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जब आप और मैं कुछ और सोच रहे हैं उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड हो सकता है, व्हेन द बोथ द पार्टीज आर इन अ मिस्टेक तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड हो सकता है। व्हेन देयर इज नो कंसेंसस एट इडियम, व्हेन देयर इज एरर इन कंसेंसस दैट इज देयर इज नो कंसेंट, व्हेन देयर इज नो कंसेंट देन इन दैट केस देयर कैन नॉट बी एनी एग्रीमेंट, व्हेन देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट देन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, अब वो एग्रीमेंट ही नहीं है। अगर आपका आपका जो है एरनस बिलीफ है, आपका किसी किसी चीज की वैल्यू के ऊपर एरनस बिलीफ है, सर कैसे, कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। मैंने कहा बेटा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, सर आप कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। मैंने कहा बेटा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। आप सोच रहे हो ये चीज 80,000 की है, जबकि होती है वो 50,000 की, आप खरीद लेते हो, वो बायलैटरल मिस्टेक नहीं है, वो बायलैटरल मिस्टेक नहीं है, वो क्या है, वो वैलिड ही रहेगी, बायलैटरल मिस्टेक नहीं है वो वैलिड ही रहेगी। क्यों, क्योंकि आपका एरनस बिलीफ है। एरनस बिलीफ किसी चीज के ओपिनियन के बारे में, किसी चीज की वैल्यूएशन के बारे में, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाता, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रखता है। सिंपल सी बात है, बायलैटरल मिस्टेक का मतलब है ना आपकी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। वेल्टी हार्ड, आई हैव रीड योर क्वेश्चंस, आई
I'll give the answer sooner once I'll finish this topic. तो बैलेट और मिस्टेक किस तरीके की हो सकती है? एग्जिस्टेंस में मिस्टेक, प्राइस में मिस्टेक, क्वालिटी में मिस्टेक, क्वांटिटी में मिस्टेक, आइडेंटिटी मिस्टेक, टाइटल में मिस्टेक। अगर बैलेटल मिस्टेक के बारे में एक सिंपल सी भाषा में बात करूं, अगर मैं बैलेटल मिस्टेक के बारे में सिंपल सी भाषा में बात करूं और आपको अच्छे से समझाऊं, तो बेटा बैलेटल मिस्टेक को इस तरीके से समझो कि आप कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूं। जब हम दोनों की सोच नहीं मिल रही तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। जब आप कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ, उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हो ही नहीं सकता ना। उसके अंदर जब दोनों की सोच ही नहीं मिल रही है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड हो सकता है? उस केस के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा ही नहीं, उस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा ही नहीं। आई गेस मेरे बेटा जी यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर की तरह क्लियर हो जानी चाहिए। बायलैटरल मिस्टेक के बारे में बताऊँ, जैसे चीज़ की एग्जिस्टेंस में मिस्टेक, क्वांटिटी में आप सोच रहे हो कि मैं 10 किलो मांग रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप मुझे 5 किलो दे रहे हो, तो फिर क्वांटिटी मिस्टेक है या नहीं है? व्हेन देयर इज़ अ मिस्टेक इन द क्वांटिटी देन दैट मिस्टेक कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड, दैट मिस्टेक कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वहाँ पर तो एग्रीमेंट ही है, दैट इज़ एन देर इज़ अ वॉइड एब इनिशियो बिकॉज देर इज नो कंसेंट एट ऑल। आई गेस यहाँ तक बेटा समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन। नाउ जब मैं यूनिलैटरल मिस्टेक के बारे में बात कर रहा हूँ, यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या है? यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब होता है जब वन पार्टी इज इन अ मिस्टेक का मतलब क्या है? जब एक पार्टी मिस्टेक में है, भैया आप मिस्टेक में हो, आप सोच रहे हो जो मैं सामान बेच रहा हूँ वो असली है जबकि होता वो नकली होता है, आप सोच रहे हो ना, वो आप सोचते रहो, मेरे को क्या की फ़र्क पड़ता, मुझे तो पता है जो मैं सामान बेच रहा हूँ वो नकली है। जब वन पार्टी इज इन अ मिस्टेक then does not make the that does not make a contract valid what that does not make the contract valid void unilateral mistake makes the contract valid unilateral mistake makes the contract valid unilateral mistake contract ko kya rakhti hai valid rakhti hai unilateral mistake contract ko kya rakhti hai beta valid rakhti hai jab ek party mistake mein it does not make the contract void it makes the contract valid aap soch lo कि आप जो सामान खरीद रहे हो वो असली है जबकि मैं जो आपको बेच रहा हूँ वो नकली है, इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेकिन दो केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। पहला केस है मिस्टेक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। आप सोच रहे हो आप कॉन्ट्रैक्ट करो मिस्टर एक्स के साथ जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स के साथ ना होकर मिस्टर वाई के साथ हो रहा होता है, यानी जब आप पार्टी की आइडेंटिटी में मिस्टेक कर जाते हो, यहाँ पे आप क्या कर जाते हो, पार्टी की आइडेंटिटी में मिस्टेक कर जाओगे। अब आप कहोगे सर वो तो सामने वाला बंदा तो फ्रॉडुलेंट भी कर सकता है, उसको फ्रॉड में भी कर सकते हैं। बट अगर फ्रॉड कर लिया तो वॉइडेबल हो जाएगा, और वॉइडेबल होने का मतलब जानते हो क्या? आप सामने वाले के से ने अगर किसी और को सामान भेज दिया होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन दैट इफ देयर इज अ आइडेंटिटी मिस्टेक अबाउट द पार्टी देन यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको याद होगा हमने मिलेनियर की बीवी वाला एग्जाम्पल दिया था, याद आया? सेठ की दुकान थी, ज्वेलरी वाला एग्जाम्पल। अच्छा याद आया, कैडबरी याद करो, सेठ की बीवी थी, नलायको याद आना चाहिए आपको। मैं केसेस के नाम बोल देता हूँ आपको, का नाम था लेक वर्सेस सिमंस का केस था, जिसमें वो औरत होती है वो कहती है मैं उस मिलेनियर की वाइफ हूँ, और फिर वो जाता है मिलेनियर भैया के साथ, वो औरत कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। या तो ज्वेलरी वाला, नहीं याद आया सर जी, हमें याद करवा दो। मैं सम करवा रहा हूँ आपको लेक वर्सेस सिमंस का केस, फिर एक सैड वर्सेस बट का, दो याद करवा रहा हूँ, इसके अलावा नहीं कर रहा। लेक वर्सेस सिमंस के केस में बेटा ये था कि एक औरत होती है जो एक सेठ की दुकान पर जाती है, ये सेठ है, सेठ मतलब ज्वेलर है, ज्वेलर की दुकान पे जाती है, कहती है भैया मैं उन मिस्टर एक्स की वाइफ हूँ जो उस एरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, आप मुझे जो है दो ज्वेलरी के सेट दो। सेठ सोचता है भैया उनकी वाइफ है तो उनको मैं मना ही नहीं कर सकता, सेठ जो है क्या दे देता है उन्हें, जो है ज्वेलरी के, सेठ जो है उन्हें ज्वेलरी के क्या दे देता है, नेकलेस दे देता है। सेठ क्या कर दे समझ के देता है, एक लेडी को मिसेस एक्स समझ के दे देता है। बाद में पता चलता है तो मिसेस एक्स नहीं है,
यहाँ पे सेठ की इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन थी ही नहीं, ये जो ज्वेलर है उसकी तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन नहीं थी, वो तो क्या सोच रहा था, वो मिसेज एक्स के साथ कर रहा है, लेकिन वो लड़की कुछ और निकलती है। सर कहोगे सर इसने तो झूठ बोला, ये फ्रॉड है। बेटा अगर आप इसे झूठ बोल के फ्रॉड की लाइन में डाल दोगे ना और इसने किसी और को दे दिया, तो अब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, आप इसे डैमेजेस रिकवर कर सकते हो। और अगर आप इसे वॉइड कर दोगे, वॉइड का मतलब क्या, आप आइडेंटिटी मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द मिस्टेक, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन लगा दोगे, वॉइड का मतलब वो कि इसके पास सामान को बेचने का राइट नहीं है, और अगर इसने आप किसी और को भी बेचा आप उससे भी रिकवर कर सकते हो। आई गेस बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गया, नहीं आ गया? दैट वॉज अ केस ऑफ लेक वर्सेज सीमेंट। सैड वर्सेज बट में क्या था, मैंने कहा कि मिस्टर एक्स को तो मेरे कंसर्ट में घुसने नहीं देना, टिकट बेचनी, मिस्टर एक्स जो है किसी और को भेज देते हैं कि भैया जा तू टिकट लिया। अब हम सोचते कि भैया वो बंदा लेके जा रहा है, जब टिकट देख जब वो देने आते हैं, मिस्टर एक्स देखने आते हैं शो, तो हम उन्हें घुसने नहीं देते। मिस्टर एक्स कहते हैं मेरे पास तो टिकट है मैं तो जाऊंगा, हम कहते हैं नहीं भैया हमसे मिस्टेक हो गया, आइडेंटिटी में मिस्टेक हुई, हम सोच रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कोई और कर रहा है लेकिन आप कर जाते हो। तो व्हेन देयर इज अ मिस्टेक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, तो उस केस में हम क्या कर सकते, उस केस के अंदर क्या हो सकता है, हम जो है सामने वाले के ऊपर क्या नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, हम जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते, और वॉइड बनाने का मतलब अगर उसने थर्ड पार्टी को भी बेच लिया होगा तो हम उससे रिकवर कर सकते हैं। फिर सेकेंड मिस्टेक आती है, मिस्टेक अबाउट द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट मिस्टेक आपकी आपकी आती है, मिस्टेक अबाउट द नेचर ऑफ एग्रीमेंट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देती है, वॉइड एब इनिशियो। यानी मैं सोच रहा हूँ मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करके दे रहा हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे जो है मेरी प्रॉपर्टी की देख रेख करो, लेकिन आप जो है मुझे गिफ्ट डीड में साइन करवा रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि मेरे से कहीं ना कहीं उस एग्रीमेंट के नेचर को समझने में मिस्टेक हो गई। व्हेन देयर इज अ मिस्टेक अबाउट द नेचर व्हेन देयर इज अ मिस्टेक अबाउट द नेचर ऑफ एग्रीमेंट, इन दैट केस उस केस के अंदर एग्रीमेंट क्या बन जाता है, वॉइड एब इनिशियो। यानी जनरली अगर मैं मिस्टेक को बायफरकेट करूँ, इंडियन लॉ के मिस्टेक का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दो तरीके से देखोगे, बायलेटरल वॉइड एब इनिशियो, यूनिलैटरल वैलिड है, लेकिन दो केसेस में वॉइड एब इनिशियो, अगर पर्सन की आइडेंटिटी में मिस्टेक हो गई या मिस्टेक हो गई आपके नेचर ऑफ द एग्रीमेंट के अंदर, उस केस के अंदर मिस्टेक क्या होती है, वॉइड एब इनिशियो। आई गेस बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आई विल कम ऑनलाइन, मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे वो उसको अटेंड करना पड़ेगा। मैं 10 मिनट में फिर से ऑनलाइन आ रहा हूँ, तब तक ले बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, देखते रहिएगा।